ये लो मोमबत्ती लो, पहले अंदर का जलाओ, अंदर दिखाओ दिखाओ मोमबत्ती लो बड़ी वाली। हाँ सही बात, मोमबत्ती लगेगा जलेगा, मोमबत्ती लो जलाने के लिए। आज दीपावली के दिन शनि धाम में दिए जलाए जा रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं सभी लोगों ने कितनी सुंदर कलाकृति का नज़ारा दिखाया है। दीप के माध्यम से स्वास्तिक चिन्ह बनाया गया है, जय शनिदेव लिखा गया है, ओम लिखा गया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं ओम लिखा गया है। बहुत ही सुंदर त्रिशूल बना हुआ है, डमरू बना हुआ है, ये भी यहाँ पर लक्ष्मी माँ का चरण पादुका बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी लोग धीरे धीरे दीप को जलाते हुए और बहुत ही सुंदर दृश्य जिसको देखकर रोम रोम शहर जाता है, रोम रोम से जय शनि देव जय शनि देव और सभी देवी देवताओं का नाम उच्चारित होता है। और एक बहुत ही सकारात्मक वाइब्रेशन का प्रसार हो रहा है जिससे हमारे धाम में जो भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं वो अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। बच्चे भी आए हुए हैं, बच्चे भी पूरे हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाते हुए और दीप प्रज्वलित करते हुए जैसा कि आप देख रहे हैं ये है हवन कुंड और हवन कुंड के पास देखिए कितना सुंदर नजारा है। कोई नहीं कोई नहीं, आप लोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मेहनत को दिखाया जा रहा है ताकि जब दीप प्रज्वलित हो तो इसका सुंदरता का वर्णन किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि और हमारे सचिन भैया बताना चाहेंगे कि आपको आज दीपावली के दिन आप शनि धाम में हैं तो आपको कैसा लग रहा है? अति हर्ष और उल्लास का माहौल है पूरे शनि धाम में, आप लोग देख सकते हैं लोग पूर्ण रूपेण तरीके से अति खुशी के साथ और अति हर्ष उल्लास के साथ, हाँ। मन में अति जो है खुशी को जागृत करके शनि धाम में लोग पहुंचे हैं। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं किस तरीके से सजाया जा रहा है दीपकों को, किस तरीके से दीपक जलाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है, आप उधर भी देख सकते हैं दीप जलने शुरू हो गए, हवन कुंड पर चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है सजावट की जा रही है और शनि धाम में लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से ही ये कार्यक्रम चालू है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अपनी मन में मनोकामनाओं के लिए अर्जी लगा रहे हैं, दिए जला रहे हैं, शनिदेव महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, कोई पुष्प चढ़ा रहा है, कोई मिठाई चढ़ा रहा है, कोई जो है किसी प्रकार के फल चढ़ा रहा है, हवन में आ रहे हैं लोग, हवन का पूरा पूरा आनंद ले रहे हैं। तो सभी को जो है दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और लोगों की शुभ दीपावली हो, लोग अपने घर पर सुरक्षित रहें, सेफ रहें, मेरी सभी से यही प्रार्थना है। जय शनिदेव सभी, जय शनिदेव। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, बहुत ही सुंदर नजारा जैसा कि आप देख रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। ये हमारे धाम के संजय भैया ने इस कलाकारी को किया है। और ये क्या है संजय भैया, क्या बनाया है आपने? ये है लक्ष्मी माता की चरण कमल और पुष्प के अंदर माता लक्ष्मी के चरण कमल, ये पुष्प के अंदर माता लक्ष्मी माँ लक्ष्मी के चरण कमल है। कितना सुंदर हमारे संजय भैया ने बनाया है, इनको दिल से नमन है। और बहुत ही सुंदर माहौल हो रहा है और जिसकी हम लोग व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं, बस आप इसका नज़ारा का मज़ा लीजिए। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन का संचार हो रहा है अभी शनिधाम में, बहुत ही सुंदर दृश्य, सभी लोग चारों ओर दीप प्रज्वलित करने में लगे हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं सजावट हो रही है। देखिए
कैसा देखने में, कितना आनंद आ रहा है, क्या हर्षोल्लास है, क्या उमंग है, क्या तरंग है। जीवन की यही सच्चाई है कि जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, तब तक जीवन में आपको न शक्ति मिलेगी, न जीवन जीने की एक कला मिलेगी। क्योंकि भक्ति में एक अलग आनंद है, भक्ति में एक अलग शांति का संचार है, जिसको आप भक्ति करके ही पा सकते हैं। इसलिए दीपों का त्यौहार है, इसलिए संविधान में दीप प्रज्वलित किए गए हैं, ताकि हम संविधान में जो अज्ञानता रूपी अंधकार है उसको भी समाप्त करें और दीपावली के पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट करें। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ भी लगे हुए हवन कुंड के पास सभी लोग धीरे धीरे यहाँ पे भी दीप को प्रज्वलित करते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं इन पुष्पों के बीच में ये दीप को देख रहे हैं। इस दीप को जब प्रज्वलित किया जा रहा है तो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, ये देख लीजिए। यहीं पर सभी दुखों का नाश होता है और सुख की प्राप्ति होती है, जीवन के अभिन्न अभिन्न अभिलाषाओं की प्राप्ति होती है। लोग अपने जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर दृश्य यहाँ का, ठीक है। और बहुत ही अति मंत्रमुग्ध कर देने वाला वातावरण। यह राहुल भैया बताना चाहेंगे दीपावली के अवसर में आपको कैसा शनिधाम में महसूस हो रहा है और यहाँ पर रह के आपको कैसा आनंद की अनुभूति हो रही है। जय शनिदेव। हाँ, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मनु भैया शनिधाम में रहकर बहुत 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 जीवन में पहली बार किसी धाम में रहकर मैं सेवा कर रहा हूँ दीपावली पे, तो मनु भैया का आभार है कि मुझे रहने दिया और मैं सौभाग्य समझता हूँ कि मैं धाम में रहकर सेवा कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छे। आपको भी हैप्पी दीपावली। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे देवा भैया जी हैं। जय शनिदेव। ये हम लोगों को अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी कभी कभी खाना खिलाते हैं। जय शनिदेव। जय शनिदेव। ये स्वास्तिक का चिन्ह है और धीरे धीरे इसको भी प्रज्वलित किया जा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा, मतलब दृश्य, इस दृश्य को वर्णन बातों से नहीं किया जा सकता है। इस दृश्य का वर्णन सिर्फ मनोभाव से और मन के आत्मिक शक्तियों से किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा है। वाह। जैसा कि हमारे देशवासियों ने दीपावली के पर्व को धूमिल कर दिया है, तो उन सभी से अपील है कि वो दीपक प्रज्वलित करते हुए अपने अंदर मन रूपी शरीर में जो अंधकार विद्यमान है उसको समाप्त करें, भेदभाव समाप्त करके दीप प्रज्वलित करें, दीपावली और होली जैसे प्रमुख त्योहारों को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। यही गुरुदेव हम सभी को शिक्षा देते हैं, आप सभी लोग भी अपने जीवन में उतारें। जय शनिदेव। अपने अंदर की नकारात्मकता को हटा के अपने अंदर सकारात्मकता का प्रवेश करें, संचार करें, जिससे आप तो पॉजिटिव हो ही, साथ ही साथ आपके घर, आपके परिवार और आपके अगल बगल का वातावरण सब पॉजिटिव हो। और जब एक जगह पॉजिटिव होगा तो दूसरा जगह भी पॉजिटिव होगा और धीरे धीरे पूरा देश और पूरा विश्व पॉजिटिव हो जाएगा। सारा पूरे विश्व में सकारात्मकता का प्रसार फैलेगा और जिससे लोग धीरे 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 भक्ति की ओर अग्रसर होंगे और एक समय ऐसा आएगा कि सभी लोग भक्ति भाव से जुड़ के अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और अपने जीवन को। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। आपकी दीपावली बहुत ही, आप अपने सेफ तरीके से मनाएं, सेफ रहें, बिल्कुल घर में सुरक्षित रहें और ध्यान रखें अपना भी और अपनों का भी दीपावली पे, कि कोई ज़्यादा जो है अग्नि के नज़दीक ना जाए। अग्नि से तात्पर्य मेरा पटाखों को लेकर है या फिर अन्य और कुछ भी ऐसे प्रकार का वो हो सकता है यंत्र। और सबसे बड़ी बात है कि दीपावली के दिन आज आप एक शपथ लीजिए कि आप अपने अंदर के बुराइयों को हटाएंगे और अपने अंदर अच्छाइयों का प्रवेश करवाएंगे। सुरक्षित रहें, अपनों के साथ रहें, खाएं पिएं, ऐश करें, लेकिन ना अपने को नुकसान पहुंचाएं ना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी लोग कितने सुरमय अंदाज में ला ला।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। इसलिए अपने जीवन से अपने अंदर छुपे हुए काम क्रोध मद लोभ मोह मत मत्सर को हटाइए और अपने जीवन से नकारात्मकता को हटाइए और अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर ले चलिए, ताकि आपका तो कल्याण हो ही, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण हो। क्योंकि जितने आप सकारात्मक रहोगे, जितने आप ईश्वर से जुड़ोगे, उतने आप अपने आप से जुड़ पाओगे, अपने आप से जुड़ पाओगे। और जब आप अपने आप से जुड़ पाओगे तो आपका आज भी अच्छा होगा, कल भी अच्छा होगा, अब आने वाला उसके बाद का भी कल अच्छा होगा। जय शनिदेव। बहुत ही मनोहर दृश्य है, बहुत ही मतलब इस दृश्य का कल्पना नहीं किया जा सकता है कि अभी कैसा अनुभूति हो रहा है। और हम आपको शनिदेव महाराज का भी दर्शन करवा रहे हैं। देखिए शनिदेव महाराज सभी की नकारात्मकताओं को खत्म करें और सभी को सकारात्मक बनाएं, सभी के काम क्रोध मद लोभ मोह मत मत्सर को खत्म करके उनके अंदर अच्छे व्यवहार का निर्माण करें, उनके अंदर अच्छे विचार का निर्माण करें, उनके अंदर अच्छे संस्कार का निर्माण करें, जिससे वो अपने जीवन को अच्छा बना सके और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर और उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ खुशियाँ रहें। जय शाबिर बाबा।